गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एम्ब्रियोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और कुछ थ्योरीज हमने डिस्कस की थी। उसी क्रम में हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की कुछ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है म्यूजिक थ्योरी मोजे थ्योरी दी थी रॉक्स ने, जो कि हैकल के विद्यार्थी रहे थे। मोजेक थ्योरी के अनुसार अगर हम बात करें डायगोट या ओहम की, तो ओहम में दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक अग्र सिरे की तरफ एनिमल पोल और पश्चिम की तरफ वेजिटल पोल का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान इस साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद जब जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस होती है तो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है और इन ब्लास्टोमियर से ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। मोजेक थ्योरी कहती है कि इन ब्लास्टोमियर का जो फ्यूचर होता है वो म्योजेक होता है, यानी फिक्स होता है कि आगे चलकर ये कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मान लो इनमें से किसी ब्लास्टोमियर ये आई का फॉर्मेशन करती है, आई का निर्माण करेंगी, ये आई लीड्स का फॉर्मेशन करनी है, तो ये क्या करती है कि अगर इनको यहां से हम हटा देते हैं, इस एम्ब्रियो में से इन ब्लास्टोमियर्स को किसी तरीके से हम हटा दे और इससे आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो हम देखेंगे कि उस एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लास्टोमियर जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही थी उस ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी यहाँ पे बाकी ब्लास्टोमियर्स के द्वारा जो ऑर्गन नष्ट की गई ब्लास्टोमियर द्वारा बना था उसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं मोजेक थ्योरी, जिसमें ब्लास्टोमियर का फ्यूचर फिक्स होता है पहले से ही। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रेगुलेटिव थ्योरी दी थी ड्रिस ने। इन्होंने मोजेक थ्योरी का खंडन किया, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सीआरसी पे किया, जबकि मोजेक थ्योरी में जो रॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो फ्रॉग के एम्ब्रियो पर करे थे। इन्होंने बताया कि जब जाइगोट बनता है और जाइगोट से ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, तो ब्लास्टोमियर्स क्या होती हैं, एक दूसरे के द्वारा बनाए गए ऑर्गन्स को रेगुलेट करती हैं। इन्होंने बताया कि अगर यहां से हम किसी ब्लास्टोमियर को हटा देते हैं तो ये ब्लास्टोमियर्स बाकी बची हुई जो ब्लास्टोमियर्स हैं इन नष्ट हुई ब्लास्टोमियर्स के द्वारा बनने वाले ऑर्गन्स का निर्माण भी कर लेती हैं। यानी आपस में दूसरे ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे को रेगुलेट करती हैं और कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पे होता है। इस थ्योरी को कहते हैं हम रेगुलेटिव या नियमनकारी, यानी यहाँ पे नियमन कर लिया जाता है बाकी ब्लास्टोमियर्स के द्वारा और कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ग्रेडियंट थ्योरी दी थी बावेरी और चाइल्ड ने। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया कि एग के अंदर जो है दो तरह के ध्रुव पाए जाते हैं, एक अग्र सिरे को जो ध्रुव बना होता है प्रेजेंट होता है उसको एक्टिव पोल और पश्चिम सिरे का निर्माण करने वाले ध्रुव को वेजिटल पोल कहते हैं। एनिमल पोल और वेजिटल पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को एक लाइन सेपरेट करती है जिसको मेटाबॉलिक ग्रेडियंट कहा जाता है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजर थ्योरी, यह दी थी स्पिमेन ने और इस थ्योरी के लिए स्पिमेन को नोबेल प्राइज दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स या सेल्स ऑफ ग्रुप या टिश्यू ऐसा होता है जो दूसरी सेल्स को ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, वो इंड्यूसर या ऑर्गेनाइजर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें आई फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो मीजोडर्म होती है उसके पास में एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं। मीजोडर्म से कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो आगे चलकर कहां जाते हैं, एक्टोडर्म तक जाते हैं और उसी के आधार पर एक्टोडर्म क्या करती है, आई फॉर्मेशन का निर्माण शुरू करती है। इस एक्सपेरिमेंट में इसको दोहराया गया, इसमें क्या किया गया कि यहां से ये मीजोडर्म होती है और ये एक्टोडर्म होती है। मीजोडर्म को यहां से हटा दिया गया और यहां पे एंडोडर्म की लेयर ट्रांसप्लांट कर दी गई। एंडोडर्म यहां पे हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि आई का फॉर्मेशन एक्टोडर्म के द्वारा होता है, लेकिन ये प्रेरित किससे हो रहा है, मीजोडर्म से हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ एंडोडर्म ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ होती इसके पास तो एक्टोडर्म है लेकिन ये आई फॉर्मेशन का काम नहीं करती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर का काम कर रही थी मीजोडर्म, इसको आई फॉर्मेट करने के लिए, आंख का निर्माण करने के लिए जो मीजोडर्म इसको इंड्यूस कर रही थी, वो मीजोडर्म यहाँ से हटा दी जाती है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। थैंक यू।